आज हम इस वीडियो में दुनिया के कुछ सबसे बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में आपको बताएंगे, जो कि पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बने। इन सर्जिकल स्ट्राइक में कुछ भारतीय सेना द्वारा किए गए सर्जिकल स्ट्राइक भी शामिल हैं। लेकिन दुनिया के कुछ चुनिंदा सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में जानने से पहले हम आपको बता दें कि आखिर सर्जिकल स्ट्राइक होती क्या है। दोस्तों, सर्जिकल स्ट्राइक का मतलब है खास हमला, जिसमें एक खास टारगेट को निशाना बनाया जाता है और ऐसा करने से पहले टारगेट की पूरी जानकारी इकट्ठा की जाती है। अगर हम अपने भाषा में बोले तो सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम देने से पहले दुश्मन की पूरी जन्म कुंडली निकाली जाती है और एक एक बारीकियों का ख्याल रखकर एकदम सटीक हमला किया जाता है। सर्जिकल स्ट्राइक में इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि जिस जगह पर आतंकवादी या दुश्मन छिपा है, सिर्फ उसी जगह को निशाना बनाया जाए और बाकी लोगों को इससे कोई नुकसान ना हो। इस ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए सेना के कमांडो को कमान सौंपी जाती है और जानकारी बेहद गोपनीय रखी जाती है। तो दोस्तों, आप देर ना करते हुए सीधा आगे बढ़ते हैं, वीडियो को अंत तक देखते रहिए। इस लिस्ट में नंबर 8 पर है खालिद शेख मोहम्मद की गिरफ्तारी। मार्च 2003 में CIA ने पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक की और 3 आतंकवादियों को पकड़ लिया, जिसमें से एक खालिद शेख मोहम्मद था, जो कि 2001 में अमेरिका में हुए वर्ल्ड ट्रेड सेंटर हमले का आरोपी था। आपको बता दें कि इसे पकड़ने के लिए अमेरिका के स्पेशल फोर्स ने रावलपिंडी में एक विशेष ऑपरेशन चलाया था। इसके बाद खालिद शेख मोहम्मद को गिरफ्तार करके ग्वांटेनामो की खाड़ी में पूछताछ के लिए भेज दिया गया। दोस्तों, अब हम बात करते हैं इस लिस्ट के 7वें नंबर के सर्जिकल स्ट्राइक की, जिसका नाम है ऑपरेशन ईगल क्लॉव। नवंबर 1989 में ईरान की राजधानी तेहरान में कुछ ईरानी छात्रों ने 53 अमेरिकी नागरिकों को US दूतावास में बंधक बना लिया था। उन छात्रों की मांग थी कि अमेरिका ईरान के घरेलू मामले में दखलअंदाजी करना बंद कर दे और मोहम्मद रजा को देश में भेजकर उसे ईरान में ही मुकदमा चलाने दिया जाए। तब अमेरिका के राष्ट्रपति जिमी कैटन ने ईरानी छात्रों की बात ना मानते हुए बंधकों को छुड़ाने के लिए अमेरिका ने एक गुप्त मिशन चलाया, जो असफल हो गया। उनका हेलीकॉप्टर जैसे ही निकले, खराब मौसम की वजह से क्रैश हो गए, जिससे 8 अमेरिकी जवानों को जान गंवानी पड़ी। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस घटना के बाद इस ऑपरेशन को तुरंत रोकना पड़ा और सुपर पावर बनने वाले अमेरिका की पूरी दुनिया के सामने शर्मिंदगी उठानी पड़ी, जिसका खामियाजा जिमी कार्टन को अपना राष्ट्रपति पद देकर चुकाना पड़ा। इस लिस्ट में नंबर 6 पर है ऑपरेशन गोथिक सरपेंट। अमेरिका के स्पेशल टास्क फोर्स ने साल 1993 में सोमालिया के मोहम्मद फरा अदीद को पकड़ने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक किया था। हालांकि अमेरिका का यह ऑपरेशन भी फेल हो गया था, क्योंकि अमेरिका के 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर को RPG से मार गिराया गया था, जिसके कारण 18 सैनिकों की मौत और जबकि 70 सैनिक घायल हो गए थे, और इसी का फायदा उठाते हुए मोहम्मद फराह अदीद भाग निकला। आपको बता दें कि इस सर्जिकल स्ट्राइक को भी नाकामयाब सर्जिकल स्ट्राइक की तरह देखा जाता है। इस लिस्ट के 5वें सर्जिकल स्ट्राइक में शामिल है भारत का म्यांमार में किया गया सर्जिकल स्ट्राइक, जिसका नाम है ऑपरेशन म्यांमार। दरअसल 4 जून 2015 को नागा उग्रवादियों ने चंदेल एरिया में भारतीय सैनिकों पर हमला कर दिया था। इस दौरान हमारे 18 सैनिक शहीद हो गए थे। इसके बाद जवाबी कार्रवाई करते हुए भारतीय सेना के 70 जवानों की एक टीम ने म्यांमार के जंगलों में सर्जिकल ऑपरेशन किया। 40 मिनट तक चले इस सर्जिकल स्ट्राइक में 50 से 100 नागा उग्रवादियों को मौत के घाट उतार दिया गया था। वहीं 10 से 20 नागा उग्रवादी गंभीर रूप से घायल हुए थे। नंबर 4 ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर। विश्व के लिए चिंता का सबब बन चुके और अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला करने वाले अलकायदा सरगना ओसामा बिन लादेन को मारने के लिए अमेरिका ने सर्जिकल स्ट्राइक किया था। 2 मई 2011 में अमेरिका के स्पेशल टास्क फोर्स ने पाकिस्तान के एबटाबाद में स्थित घर में कार्रवाई करते हुए ओसामा बिन लादेन को मार गिराया था। यह प्री प्लान किया गया था, जिसे अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने संचालन किया था। इस लिस्ट में नंबर 3 पर है रैथ ऑफ गॉड। दोस्तों, 1972 में ओलंपिक खेलों के दौरान ओलंपिक विलेज में हथियारों से लैस आतंकवादी घुस गए और उन्होंने 11 इजरायली खिलाड़ी को बंधक बना लिया। इसके बाद उन्होंने जेल में बंद 234 फिलिस्तीनियों की रिहाई की मांग की, जिसके बाद इजरायली सेना के खुफिया एजेंसी मोसाद के शार्प शूटरों ने आतंकवादियों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। खुद को चारों तरफ से घिरता देख आतंकवादियों ने निहत्थे खिलाड़ियों पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। इसी बीच इस मिशन में आए एक हेलीकॉप्टर को बम से उड़ा दिया गया, फिर दूसरे हेलीकॉप्टर में बैठे खिलाड़ियों को भी गोलियों से भून दिया गया। कुछ ही मिनटों में एयरबेस में मौजूद हर आतंकी मारा गया, साथ ही इसराइल के 9 खिलाड़ी भी आतंकवादियों के शिकार बन गए। इसके बाद इजरायली सेना ने खुफिया एजेंसी मोसाद के साथ मिलकर उन सभी लोगों के कत्ल की योजना बनाई, जिसका वास्ता इस आतंकी हमले से था, और इसी मिशन को नाम दिया गया रैथ ऑफ गॉड।
ओलंपिक खेल नरसंहार के दो दिन बाद इजरायली सेना ने सीरिया और लेबनान में मौजूद फिलिस्तीनी लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के 10 ठिकानों पर बमबारी की और करीब 200 आतंकवादियों और आम नागरिकों को मौत के घाट उतार दिया। इस लिस्ट में नंबर 2 पर है ऑपरेशन थंडरबोल्ट। दोस्तों, ऑपरेशन थंडरबोल्ट को अब तक का सबसे बड़ा और सबसे सफल ऑपरेशन में से एक माना जाता है। इसमें इजरायल ने अपने 106 नागरिकों को बचाने के लिए युगांडा पर धावा बोल दिया था। इसका कोड नेम ऑपरेशन थंडरबोल्ट या मिशन एंटनी के नाम से भी जाना जाता है। दरअसल 3 जुलाई 1976 को पीपल फ्रंट फॉर लिबरेशन ऑफ फिलिस्तीन के 7 आतंकवादियों ने एयर फ्रांस के एक विमान को युगांडा के एंटेक हवाई अड्डे पर हाईजैक कर लिया था। इस विमान में 106 इजरायली नागरिक सवार थे, जबकि आतंकवादी इजरायल में कैद अपने साथियों की रिहाई चाहते थे। युगांडा के तानाशाह यिदी अमीन ने इजरायली नागरिकों को बचाने की कोई रुचि नहीं दिखाई। इसके बाद इजरायली एयरफोर्स ने रात को ट्रांसपोर्ट में लगभग 100 स्पेशल कमांडो को 4000 किलोमीटर दूर युगांडा के लिए रवाना कर दिया। इस असंभव से दिखने वाले ऑपरेशन में युगांडा के एंटेबी एयरपोर्ट पर धावा बोल दिया। ये कमांडो आतंकवादियों को चकमा देने के लिए एक कार में आए और अचानक गोलीबारी शुरू कर दी। अचानक हुए हमले को आतंकवादी जब तक समझ पाते, तब तक इजरायली कमांडो ने एक के बाद एक सभी आतंकवादियों को ढेर कर दिया। आपको बता दें कि 106 इजरायली बंदूकों में से 3 बंधक मारे गए और इसमें युगांडा के 45 फौजी भी मारे गए। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस ऑपरेशन में इजरायल के सिर्फ एक कमांडो जैनाथन नेतन्याहू की मौत हुई, जबकि अन्य 10 फौजी को मामूली चोटें आई। इस गोलीबारी में इजरायल ने युगांडा सेना के 11 रूसी निर्मित मिग-17 और मिग-21 भी तबाह कर दिए थे। इस मिशन को इजरायली कमांडो जैनाथन की याद में ऑपरेशन जैनाथन के नाम से भी जाना जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों कि इस मिशन में जिस इजरायली कमांडो की मौत हुई थी वो कोई और नहीं बल्कि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बड़े भाई थे। क्षेत्रफल में मणिपुर से भी छोटे देश ने जिस तरह से दूसरे देश में घुसकर अपने दुश्मन को नेस्तनाबूद किया वो वाकई काबिले तारीफ है। अब हम बात करते हैं इस लिस्ट में नंबर 1 पर आने वाली सर्जिकल स्ट्राइक ऑपरेशन LOC की। पूरी हमले के बाद 28-29 सितंबर 2016 को भारतीय सेना के पैरा कमांडो ने रात के अंधेरे में LOC के उस पार जाकर कई आतंकवादियों के साथ साथ उनके साथ लॉन्चिंग पैड भी तबाह कर दिए थे। इस सैन्य कार्रवाई में पाकिस्तान के कुछ जवानों समेत कई आतंकवादी मारे गए थे। इसके बाद पाकिस्तानी सेना ने कुछ समय के लिए वहां से आतंकी कैंपों को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया था। हालांकि इस दौरान पाकिस्तान भारतीय सेना द्वारा किए गए इस कार्रवाई को झूठा करार देता रहा, लेकिन आपको बता दें कि इस कार्रवाई का खौफ आज भी उनके दिल में बना हुआ है। उरी हमले के बाद से ही भारत ने मन बना लिया था कि अब चुप नहीं बैठना है। पाकिस्तान से आने वाले आतंकवादियों को ऐसा जवाब देना है कि वह दोबारा इधर रुख करने से पहले 100 बार सोचे। इस सर्जिकल स्ट्राइक को सफल बनाने के लिए मिलिट्री और सरकारों के बीच टॉप लेवल की प्लानिंग की गई। 28-29 सितंबर की रात एक्शन के लिए चुनी गई। आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों कि इस सर्जिकल स्ट्राइक में सेना महज 4 घंटे में ही अपना काम पूरा करके लौट आई। भारतीय सेना ने उस रात जो कार्रवाई की, दरअसल वो पाकिस्तान के आतंकवादियों पर सर्जिकल स्ट्राइक थी। ऑपरेशन करीब रात 12:30 बजे शुरू हुआ। इस सर्जिकल स्ट्राइक में पैराट्रूपर को शामिल किया गया। कमांडो को LOC के पास एयर ड्रॉप किया गया। इसके बाद वह पैदल सीमा पार करके पाकिस्तान में दाखिल हुए। इस दौरान भारतीय कमांडो LOC में 3 किलोमीटर अंदर घुस गए। मिम्बरे, हॉट स्प्रिंग, केल और पीला सेक्टर में सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया गया। इस सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान आतंकवादियों के लॉन्च पैड को तबाह करके 38 आतंकवादियों समेत 2 पाकिस्तानी फौजियों को मार गिराया गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस पूरे ऑपरेशन में भारतीय सेना को कोई नुकसान नहीं हुआ। इस ऑपरेशन में हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया गया जो सुबह 4:00 बजते खत्म हो गया। इस सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पूरी दुनिया ने भारतीय सेना की बहादुरी और ताकत का लोहा माना। दोस्तों, इन सर्जिकल स्ट्राइक के अलावा भी और भी कई ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है, लेकिन किसी ने भी इतनी चर्चा नहीं बटोरी जितनी इन्होंने बटोरी है। आपको इन सभी सर्जिकल स्ट्राइक में से सबसे बेस्ट सर्जिकल स्ट्राइक कौन सा लगा, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। साथ ही अगर भारतीय होने के नाते भारतीय सेना द्वारा किए गए सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में जानकर गर्व हुआ है तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। बाकी वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप हमारे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी मदद कर सकते हैं। हमारे सेकंड चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस घंटे को बजाएं ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।